हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो कि है बहुत बेहतरीन तरीका से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि अगस्त से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90+ नंबर लाया जा सकता है कि नहीं, यह जो कि है आपके मन में बहुत बड़ा प्रश्न आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो कि है आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा और कुछ जो कि है इसमें टिप्स भी मिल जाएंगे जो आपके लिए बोर्ड परीक्षा में 90+ नंबर लाने में योगदान साबित होगा। ठीक है, तो आज का जो कि वीडियो है बहुत खास है उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि है अपने आगामी बोर्ड परीक्षा के जो कि है तैयारी कर रहे हैं या अपने आगामी बोर्ड परीक्षा 2022-23-24 देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि है आपको इसमें हौसला बनाए रखना है। ऐसे कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कुछ इस अंदाज के साथ आप तैयारी करते हैं तो आप जो कि है जरूर 90+ नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो कि है आपको जो कि है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो कि है दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक जो कि होगा 6 मंथ जो कि है यानी एक ग्रुप वाला है, ये 6 मंथ जो कि है फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये 6 मंथ जो कि है स्टडी किया है, और जो कि बी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे यानी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये कुछ भी स्टडी नहीं किया है, लेकिन जो कि है इसका अभी से जो कि है जुनून जगा है, अभी से जोश आया है कि हम जो कि भाई अगस्त से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप जो कि है अगस्त से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो भी नियम बताया जाएगा और जो भी टिप्स दिया जाएगा यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप जरूर जो कि है बोर्ड परीक्षा में अगस्त से पढ़कर 90+ नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज वीडियो देखने के बाद जो कि है आप आज से ही आपको जंग छेड़ना होगा क्योंकि भाई समय कम है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि है इसमें टिप्स नंबर एक है, टिप्स नंबर जो कि है इसमें एक है कि आप पढ़ना क्यों चाहते हैं, आपको जो कि है पढ़ने का मकसद क्या है। आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो कि है घर का गार्जियन का दबाव है कि पढ़ लो बेटा जो कि है अगस्त आ गया, अब अभी से भी बोर्ड परीक्षा के तैयारी कर लो, या आप इसलिए पढ़ाई शुरू कर रहे हैं कि जो कि है आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर यानी 90+ नंबर लाने का जुनून और जोश है। ठीक, ये जो कि है आपको जानना होगा। ठीक, सबसे पहला नंबर टिप्स है। ठीक है, और दूसरा नंबर इसमें टिप्स है आपको जो कि है 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो आपको जो कि है भाई टारगेट तो फिक्स करना होगा ना, टारगेट आपका क्या है, आप कितना परसेंट लाना चाहते हैं, 70% लाना चाहते हैं अच्छे मार्क्स में कि 80% लाना चाहते हैं कि 90% लाना चाहते हैं कि 85% या 95% लाना चाहते हैं, आपको जो कि है टारगेट फिक्स करना होगा। और ठीक है, और टारगेट फिक्स करने के साथ साथ आपको इसको क्या करना है, आप जितना परसेंट लाना चाहते हैं आपको इस बड़ा सा कार्टून को लिख लेना है और जहां पर भी आप स्टडीज जो कि आपका टेबल है, कुर्सी है, टेबल है, आपका रूम है, उसमें चिपका देना है 2-3 जगह, क्योंकि आपको जो कि है आज इस वीडियो देख कर जाइएगा तो आपका मोटिवेशन लेवल कब खत्म होगा ये कोई पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, इसीलिए जो कि है आज ही आप कीजिएगा, आपको जितना परसेंट लाने का जो कि इच्छा है, आप में जितना परसेंट लाने का बुत्ता है उतना आप लिख कर किसी पन्ने पर आपको जो कि जहां बैठते होंगे वहां पर लिख देना है कि हमको जो कि है बोर्ड परीक्षा में इतना परसेंट नंबर लाना होगा। ऐसा क्यों करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो कि वीडियो देखिएगा उसके बाद जो कि आप भूल जाइएगा कि हमको बोर्ड परीक्षा में इतना नंबर लाना था, और जब जब आप इसको लिख कर टांगे रहिएगा तो आपको जो कि बार बार जब आप जाइएगा स्टडी टेबल पर तो वहां पर जो कि है आपका जो कि है संकेत मिलेगा कि हमको जो कि है बोर्ड परीक्षा में 80% या जो कि है 85% नंबर लाना है। ठीक, तो टिप्स नंबर हमारा 2 हुआ। अब चलिए अब हमारा टिप्स नंबर 3 है कि अब भाई आप पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको बताता हूं। ठीक है, 6 महीने में पता कीजिए कि आपके जो भी जो कि ए वाला स्टूडेंट है, ए ग्रुप वाला स्टूडेंट है, कि 6 महीने में जो कि है इसके कोचिंग स्कूल कॉलेज में क्या क्या पढ़ाई हुआ है। ठीक, और वर्तमान में क्या क्या चल रहा है। ठीक है,
6 महीना में ये क्या क्या पढ़ लिया है, यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, सोशल साइंस में ये क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, इसको आपको भूल जाना है। ऐसा नहीं है कि ये हम नहीं पढ़े हैं भाई, अब बैठ के इधर बैठे हैं कि हम ये नहीं पढ़े हैं, हमको अभी इतना पढ़ना है। ये जो कि है, जो भी पढ़ लिया है इसको भूल जाना है। अभी वर्तमान में देखना है कि जो कि क्या पढ़ रहा है, वहीं से आपको शुरू करना है। तो अब सोच रहे हैं भाई मेरा तो पीछे कोई छूट जाएगा, हम तो जो कि यहाँ से पढ़ाई शुरू करेंगे तो पीछे का छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ आपको जो कि है, हम स्मार्ट वर्क के साथ साथ, जो कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कराएंगे, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क में आपको क्या करना होगा, जो भी जो कि है 6 महीना में जो कि वर्तमान में चल रहा है, मान लीजिए अभी अवार्ड सारणी चल रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है, ये इसके अलावा तो आपको भी अवार्ड सारणी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से एकदम जो कि है केमिस्ट्री में जो कि है रासायनिक अभिक्रिया शुरू करना है, ठीक है, ये भी शुरू करना है, लेकिन ये जो पढ़ रहा है ए ग्रुप वाला, इसी जो भी पढ़ रहा है अवार्ड सारणी पढ़ रहा है, तो आपको जो कि है यहीं से शुरू करना है, ठीक है। तो इसका जो कि है आपका रूटीन जो कि है अलग रहना चाहिए, जो कि ये इसका जो कि रूटीन बना है, और इस वाले जो कि है आपका रूटीन जो कि है जो पीछे है आपका जो कि मान लीजिए छोड़ दिए 6 मंथ में, इसका रूटीन जो कि है आपको अलग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कि है आप जो कि है अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं शुरू में, लेकिन अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको जो कि है दोनों करना होगा, तब जाके आपको जो कि है 90+ नंबर आएगा। इसके लिए अलग रूटीन होना होगा और इसके लिए जो कि है अलग रूटीन होगा, वर्तमान वाला अलग होगा और जो कि पीछे छूट गया है उसका अलग होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है, जो वर्तमान जो बीत गया है उसका जो कि नहीं करना है कि हम ये नहीं पढ़े हैं वो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उसका चिंता नहीं करना है, ठीक है। अब जो कि है चौथा नंबर, आप सोचिएगा भाई समय कम है और कम समय में हमको ज्यादा मार्क्स अचीव करना चाहते हैं। तो आप देखे हैं, सबसे पहले मान लीजिए आप क्रिकेट तो देखे होंगे, तो कभी कभी क्रिकेट में क्या होता है कि बॉल कम रहता है और रन ज्यादा बनाना रहता है, ठीक उसी प्रकार जो कि है आपको ऐसा होने वाला है, देखिएगा, ठीक है। समय कम रहेगा, आपको जो कि है रन ज्यादा बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, यानी समय कम रहता है और जो कि है रन ज्यादा बनाना होता है, ठीक उसी प्रकार। तो इसमें देखिए खिलाड़ी क्या करता है, मान लीजिए 6 बॉल है, 6 बॉल में जो कि है आपको 20 रन बनाना है, तो इसमें वो चाहेगा कि हर एक गेंदा को हम हिट करें, यानी होंक के खेलने का प्रयास करेगा, ठीक उसी प्रकार आपको जो कि है आपको होंक के खेलना पड़ेगा, यानी होंक के पढ़ना होगा। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना होगा, तब जाके है आप अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90+ ला सकते हैं, ठीक। तो समझ गए होंगे कि आखिर जो कि है होंक कर हमको पढ़ाई कैसे करना है, ठीक। तो हमारा चौथा क्लियर। अब पांचवा है, इसमें जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक लीजिए, ऑफिशियल जो इसका जो कि आया है, क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर, उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि आपका सिलेबस जो कि है खत्म हो जाने के बाद, ठीक है, सिलेबस जो कि है खत्म हो जाने के बाद जो कि है जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट तैयार कीजिए, बोले सॉरी जो कि है सेट तैयार कीजिए, उस सेट को बनाइए और सेट को बार बार रिवीजन करते रहिए, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो भी आपका सिलेबस है उसको जो कि है बार बार रिवीजन करना होगा, ठीक है, 21 दिन पर, 7 दिन पर आपको रिवीजन करना होगा। अब जो कि है इसमें जो कि सातवां क्या होगा, जो भी आपके पास जो कि समय बच रहा है अधिक से अधिक जो कि है आपको जो कि है अपने स्टडी पर देना होगा, ऐसा नहीं है कि जो कि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय स्पेंड करना होगा, क्योंकि अभी जो कि है आपके पास 6 मंथ भाई बचा हुआ है, आप इसको भी गंवा दोगे तो जो कि अच्छा खासा नंबर नहीं रहेगा, और एग्जाम टाइम में बैठ के रोगों के हमके जो कि है अच्छा तैयारी नहीं हुआ, हमारा अच्छा खासा नंबर अचीव नहीं आ सकता है, ठीक, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आज से ही जंग छेड़ दीजिए भाई, बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी से, आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए एकदम, वीडियो खत्म हुआ आप जो कि है एकदम पढ़ने जाइए, जो भी पढ़िए, जो भी आपको आसान लगे वो पढ़ना शुरू कीजिए, जो कठिन है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ा बात तो भूल ही गए हैं, सबसे बड़ा बात जो भी आपको जो कि है इसमें जो भी ए ग्रुप में स्टूडेंट है, जो भी तेज तराक है, उसको जो कि है आपके उससे थोड़ा सा मदद लेना होगा। वो क्या मदद लेना होगा, आप जो 6 मंथ में नहीं पढ़े हैं और इसमें जो कि है पढ़ रहे हैं शुरू से, मान लीजिए बोले हैं ना कि शुरू से जो आपको पढ़ना है 2 रूटीन बनाना होगा, ठीक है, तो इसमें जो आपसे नहीं बन रहा है शुरू वाला, तो इससे जो भी इसमें का तेज तरह जो स्टूडेंट है उससे थोड़ा मदद लीजिए भाई, उससे मदद कर लीजिए, आपसे नहीं बना तो उसे पूछ लीजिए, कोई मैथ का सवाल है उसका भी रिवीजन हो जाएगा, आपको भी वो बता देगा, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है,
पीछे वाले को भी लेके चलना है और जो कि है जो वर्तमान में चल रहा है उसको भी लेके चलना है, ठीक है। आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि जो कि है समय कम है भाई, ठीक है। और इसी के साथ जो कि हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बात बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर पढ़ना होता तो आप जो कि है कभी से पढ़ाई शुरू कर दिए होते, ठीक। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।